फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद तमगा बसालत की। My mother is sometimes concerned that it's a male oriented society and the job I am doing is very different, very extraordinary. So her concern is there and I respect her concern, but she also stands by with my decision and like she is happy for me as well. 24 सितंबर 2014 की सुबह मरियम की जिंदगी में एक बहुत अहम दिन था। परेड स्क्वायर में अपने जैसे बहुत से ऑफिसर्स के साथ वतन अजीज के दिफा में अपनी जान को दरपेश खतरात से नाबरदस्मा करने का हल्फ लेते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो खुश थी कि उसने अपने ख्वाबों की ताबीर के हुसूल के लिए पहली सीढ़ी उबूर कर ली थी। जब उसका नाम आया और उसकी तस्वीरें आईं, टीवी पे उसका जिक्र हुआ, तो यकीन कीजिए मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे मुल्क की एक लड़की इतना बड़ा काम कर गई है कि जो दूसरे मुल्क हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी उन्हें सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई ऐसी फाइटर पायलट नहीं है, अगर आपके यहाँ है तो बहुत बड़ी बात है। करियर की अहम मंजिल तो बखूबी अंजाम तक पहुँची, मगर फाइटर पायलट बनने का ख्वाब मियांवाली में मौजूद पाक फिजाइया के MM आलम बेस में पूरा होना था। और यूं आंखों में नए ख्वाब सजाए मरियम मुख्तियार फाइटर कन्वर्जन यूनिट में पहुंची। फाइटर कन्वर्जन की तरबियत के दौरान भी मरियम ने अपनी पेशावराना महारत का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्द अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। स्टेप ब्रीफ ड्यूरेशन इज टू बी 2-3 मिनट्स एंड वुड बी कंडक्टेड बाय फॉर्मेशन लीडर्स कैप्टन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। K-8 लड़ाका तरबियती जहाज पर अपनी फाइटर ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मरियम ने 20 ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट का रुख किया। अब वो MM आलम, सरफराज रफीकी और राशिद मिनहास जैसे बेमिसाल हवाबाजों की सफ में शामिल होने जा रही थी। ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनिंग के दौरान मरियम की हिम्मत का एक और इम्तिहान था जिसे वो पूरी लगन के साथ मुकम्मल कर रही थी। 15 नवंबर 2015 का सूरज मामूल के मुताबिक तुलू हुआ। मरियम को अपने इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी के हमरा मामूल के फ्लाइंग मिशन पे जाना था। जब जाती थी फ्लाइंग से पहले मुझे कहती थी, अच्छा मामा मेरी मैं फ्लाइंग है, मैं जा रही हूँ, अगर आ गई तो आपको फ़ोन करूँगी और अगर मैं नहीं आई तो आप समझें कि मैं शहीद हो गई। बेटी हवाओं के सफर को निकली, वो नहीं जानती थी कि फिजाओं की तस्खीर का कुदरत ने उसे ये आखिरी मौका दिया है। गार्डियन 57 रिकवरिंग बैक। रेकॉर्ड गार्डियन 57 विल मेंटेन 100 एट सेंटर ऑफ सर्विस। 57 क्लियर टू मेंटेन 100 एंड रिपोर्ट टू हेड व्हिस्की मेंटेनिंग। मिशन मुकम्मल करने के बाद जहाज जूं ही वापसी के लिए रवाना हुआ तो ऐन उसी लम्हे उसे एक संगीन टेक्निकल फॉल्ट का सामना करना पड़ा। गार्डियन 57 नागुजीर वजूहात को मद्देनजर रखते हुए स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी और फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार ने इजेक्शन करने का फैसला किया और साथ ही तैयारे का रुख आबादी वाले इलाकों से दूर की जानिब मोड़ दिया ताकि क्रैश की सूरत में जमीन पर मौजूद कीमती इंसानी जानों और अमलाक को महफूज रखा जा सके। हम दोनों की भरपूर कोशिश थी कि जहाज को कंट्रोल कर सकें और इस कीमती कौमी असासे को लैंड कर सकें, लेकिन इमरजेंसी की नौयत कुछ इस तरह की थी कि हमें अंदाज़ा हो गया कि यह जहाज़ अब लैंड नहीं हो सकेगा। हम दोनों के लिए इजेक्शन करना यानी जहाज से निकलना नागुजीर हो चुका था, लेकिन सामने हमें एक आबादी नज़र आ रही थी। सो हमने फैसला किया कि हम आबादी को बचाते हुए इजेक्ट करेंगे। जैसे ही हमने आबादी को क्लियर किया, मैंने मरियम को कॉल दी इजेक्ट कॉल। वो जो मुझे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कैसर ने की, कैसर ने मुझे कहा कि अंकल
मरियम इज नो मोर विद अस नाउ। बुलंद हौसलों की हामिल वतने अजीज की इस बेटी ने इजेक्शन के दौरान जामे शहादत नोश किया और पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून शहीद पायलट होने का एजाज हासिल किया। नन्हे नन्हे कदमों से शुरू होकर फाइटर पायलट बनने तक मरियम का ये सफर और शहादत जैसे आला मर्तबे पे फायज होना पाकिस्तानी कौम के लिए हमेशा बायस फख्र और मशले राह साबित होता रहेगा। तेईस मार्च 2016 को मरियम मुख्तियार की अजीम कुर्बानी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा